अच्छा, कल का जो वीडियो था मेरा वो रेडियल नर्व इंजरी पे था। उसमें मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपकी रेडियल नर्व इंजरी हो चुकी है तो किस तरीके किस किस टाइप से वो इंजरी हो जाती है और किस तरीके के सिम्टम्स से वो देखने को मिलते हैं। इसमें जब मैंने आपको बताया था कि जो नर्व होती है वो फुल्ली अगर टूट जाती है तो उसके लिए आप एक टेस्ट करवा सकते हैं, उसका नाम है NCV टेस्ट। उस NCV टेस्ट के अंदर जैसे ही आपकी रिपोर्ट में अगर लिखा हुआ आ जाता है कि आपका जो है नर्व जो है वो टूट चुकी है, कोई कंडक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल जीरो का कंडक्शन है, तो आपको जो है तुरंत जो है आपको ऑपरेशन की नीड होती है। ठीक है, दूसरा आपका जब कोई नस अगर दबी हुई है, ठीक है, तब आपको अगर आप NCV करवाते हैं तो उसके अंदर आपको जो है माइल्ड कंप्रेशन या फिर जो है कंप्रेशन का टाइप लिखा हुआ रहेगा या क्वांटिटी लिखी रहेगी, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको जो है मे बी आपको फिजियोथेरेपी के लिए जा सकते हैं। और आपको अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऑपरेशन की नीड है और आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप जो है उसको अपन आप अपने अकॉर्डिंग सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको आप देख सकते हैं। तीसरा ये था कि आपके जो धागे जो है वो 50% जो है बचे हुए हैं, 50% जो है जा चुके हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है NCV टेस्ट करवा के देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें पार्शली जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसके कंडीशन में भी जो है आपको जो है तुरंत आपको ऑपरेशन की नीड होती है, क्योंकि जितने फाइबर्स अगर आपके कनेक्टेड है उतने ही फाइबर्स आपके जो है आपके मूवमेंट्स को करवा सकते हैं, बाकी जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो NCV टेस्ट का जो इम्पोर्टेंस होती है वो आपको देखने को मिल रही है। बात करते हैं अगर आपने कोई ऑपरेशन करवा लिया है, ठीक है, रेडियल नर्व इंजरी का कोई ऑपरेशन करवा लिया है, तो उस पर प्रैक्टिस किस तरीके का करनी होती है आपको, वही कलाई को ऊपर करने के लिए, फिंगर्स को ऊपर करने के लिए, थंब को ऊपर करने के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। वही जब पोस्ट ऑपरेटिव हो जाती है एक्सरसाइजेज वगैरह, तो डिपेंड करता है कि जो सर्जन थे उन्होंने किस तरीके का आपका ऑपरेशन किया है, ठीक है, मतलब उस इंजरी को किस तरीके से रिपेयर करा है वो डिपेंड करता है। तो वो जो डिपेंड नोट्स जो होते हैं उनको रीड करके हम जो है स्पेशल जो होती है पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइजेज वगैरह वो हम पेशेंट्स को बताते हैं, वो जो ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिलती है। धन्यवाद।